हमारा संविधान इम्पोर्टेंट है या कोई अगर कोई ऐसी बात कह दे कि जिससे बिला वजह का विवाद पैदा होता हो वो इम्पोर्टेंट है। हमारे हिंदू राष्ट्र को समझने के लिए मैं आपकी बात मानूं या कोई मेरी बात माने या हमें शास्त्रों की तरफ देखना चाहिए कि हिंदू का क्या मतलब है। संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा, मतलब कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। और पहला नाम क्या आया? वेदों को मानने वाले का नाम नहीं आया, पहला आया जो वेदों को ना माने। पाषंड नैगम श्रेणी पूगा विराद गुणा दिशु, तो हम किसकी परिभाषा को माने? वेद की परिभाषा को माने जहाँ पे हिंदू, पहली बात हिंदू शब्द कहीं है नहीं, सनातन है, लेकिन आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पर्यायवाची के तौर पर, तो उसकी तो ये जिम्मेदारी है कि चाहे उससे कोई मानता हो या ना मानता हो, समान रूप से सबको संरक्षण देना और विधि के सामने सबका समान दर्जा होना, ये उसकी जिम्मेदारी। लेकिन यही बात तो संविधान कहता है, संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द का जिक्र है, फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको इस बात पे ज्यादा बहस करने की जरूरत क्या है? क्या कोई हिंदू राष्ट्र कहने वाला ये कह रहा है कि संविधान को खत्म कर दो? नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं, आप चाहे हिंदू कहिए, चाहे भारतीय कहिए, चाहे हिंदुस्तानी कहिए, चाहे जो कुछ कहिए, ये हमारे देश में तो एक चीज को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, उसमें क्या बात है? उसको से निकलने की कोशिश लोग देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं। आप मेरे भाई मैं नहीं कहता, इसको थोड़ा मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि सर सैयद ने जब वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, जब उनका टर्म खत्म हुआ तो गुरदासपुर में आर्या समाज ने उनको वेलकम एड्रेस किया और उन्होंने अपने एड्रेस में ये कहा कि आपने नुमाइंदा रहते हुए किसी एक वर्ग की नहीं, सबके लिए आपने काम किया है, इसलिए हम आपको रिसेप्शन देना चाहते हैं। ये गए, उन्होंने यही बात अपने एड्रेस में पढ़ा।